नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। दरियावत के आईसीआईसीआई बैंक में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार ब्रांच मैनेजर प्रशांत काबरा द्वारा दर्जनों से अधिक खाता धारकों के साथ करोड़ों रुपए का गबन किया गया। उपभोक्ताओं ने बैंक खाते के सीसी अकाउंट व एफडी अकाउंट से मैनेजर द्वारा राशि का गबन कर धोखाधड़ी की। विगत 2 दिनों से बांसवाड़ा आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी मौके पर इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं। फर्जीवाड़ा को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने गबन को लेकर हंगामा किया। बैंक खाता धारक को गबन की जानकारी मिलने पर अपना खाता चेक किया तो कहीं खाता धारकों के खाते में पैसा नहीं मिला, जिस पर पुलिस द्वारा ब्रांच मैनेजर से पूछताछ की जा रही। देखिए, आज जानकारी में आया आईसीआईसीआई बैंक दरियावद में, मेरे को किसी माध्यम से ये सूचना मिली कि बैंक प्रबंधक प्रशांत काबरा द्वारा कई खातेदारों के केसीसी अकाउंट्स, एफडी अकाउंट्स, इसमें बड़े तौर पे ये गबन किया है इन्होंने। मेरा भी क्या है, इत्तेफाकन उदयपुर से दरियावद कल ही आना हुआ, आज शाम को जैसे पता लगा मैं भी ब्रांच में पहुंचा। यहाँ पे रीजनल हेड हैं, राका साहब हैं, इनके भी बॉस हैं, इनसे पता लगा। मेरा अकाउंट मैंने चेक कराया, मेरा केसीसी के अंदर तकरीबन 32 लाख रुपए पड़ा था। आज मेरा अकाउंट जब चेक कराया तो पता लगा कि बैलेंस शून्य है मेरा, इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो इससे हम ये मैंने विचार किया, मैंने कहा न कोई मेरी जानकारी के बिना, न मेरी कोई स्वीकृति के बिना, जब ना कोई मैंने चेक किया कुछ, और ये किस तरीके से ये पैसा मेरे खाते से निकाला गया। जब बैंक प्रबंधक प्रशांत काबरा भी यहाँ मौजूद था, मैंने पूछा क्या है, तो उसके जवाब देता नहीं पड़ा। तो इसे पता लगे पूरी तरीके से फ्रॉड है। इस आदमी ने कई लोगों का पैसा गबन किया, कई लोगों की गाड़ी कमाई थी, किसकी एफडी थी, किसी का सेविंग अकाउंट होगा, तकरीबन ऐसा सुनने में आया 5-7 करोड़ रुपये का इसने कराया। अभी हाल ही में इसको पुलिस वाले ले गए, थाने में ले गए। अब जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके तहत तो इसको खैर सजा जो मिलनी है वो है, लेकिन बैंक के आईसीआईसीआई बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा ये आश्वस्त किया गया सभी ग्राहकों को कि आपका जितना भी जो पैसा है, कि आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ विचार करने की ऐसी जरूरत नहीं है। जितना भी पैसा आपका है, जो भी उपभोक्ता है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनकी समस्त राशि उनके वापस है खातों में समायोजित की जाएगी, चाहे केसीसी हो, चाहे एफडी अकाउंट हो, चाहे सेविंग के अकाउंट हो। तो उनकी उच्च अधिकारी के द्वारा दिए गए आश्वासन को मानते हुए ये जितनी भी पब्लिक और जनता इकट्ठी हुई है, थोड़ी शांत है, अभी उग्र भी हैं लोग, लेकिन उनको ये आश्वासन मिलने के बाद ये शांत है कि चलो ठीक है, हमारा पैसा देर सबर जो है, हमारा पैसा वापस है इसमें जो है खातों में आ जाएगा। लेकिन जो है आज ये जो घटना हुई है, इससे हम सभी को बड़ी ठेस लगी है। एक बहुत बड़ा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, एक पूरे देश में इंटरनेशनल ब्रांड है ये, और इसके प्रबंधक द्वारा जिस तरीके से ये कृत्य किया है, उससे मतलब एक जो विश्वास है, एक विश्वास टूटा उपभोक्ता का। अब भविष्य में इस बैंक से लोगों का जुड़ाव रहे या नहीं रहे, ये एक सोचने वाला विषय है, भविष्य में क्या होता है, क्योंकि एक इतना बड़ा एक आघात सा लगा है, और इसमें से एक मैं भी उपभोक्ता हूँ इस बैंक का। आज मेरे को ये लगा है कि मतलब इस तरीके से अगर ये हो रहे हैं, ये कस्बा है, इस कस्बे में ऐसी घटना हुई है, न जाने आसपास के